तो भाई आज हमारे पास है दो ऐसे आईफोन जिनके कंपैरिजन के लिए आप सबकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई इन दोनों आईफोन्स का जो है कंपैरिजन लेके आओ। तो पहला तो है आईफोन 12 प्रो एंड सेकंड जो है आईफोन 15। और आज इसलिए हम दोनों आईफोन्स का जो है डिटेल में कंपैरिजन करेंगे एंड देखते हैं कि दोनों आईफोन्स में क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों आईफोन्स में से कौन सा आईफोन जो है इस टाइम पे हमें कंसिडर करना चाहिए। और साथ ही हम दोनों आईफोन्स की जो है प्राइसिंग की बात भी करेंगे और साथ ही में इस वीडियो में हम दोनों आईफोन्स के डिटेल में कैमरा टेस्ट भी करेंगे। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोनों आईफोन्स के डिजाइन से। तो बात करें यहाँ पे डिजाइन की, तो दोनों आईफोन्स का जो डिजाइन है वो देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि जो दोनों आईफोन्स हैं उनकी बैक साइड पे जो हमें मैट फिनिश वाले जो है ग्लास पैनल देखने को मिल जाते हैं एंड जिनकी वजह से जो दोनों आईफोन्स की लुक है वो काफी ज्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव लगती है। बट वहीं अगर हम बात करें दोनों आईफोन्स की बिल्ड क्वालिटी की, तो जो आईफोन 15 है उसमें जो हमें एल्युमिनियम का फ्रेम देखने को मिलता है एंड जो आईफोन 12 प्रो है उसमें जो हमें स्टेनलेस स्टील का फ्रेम देखने को मिलता है, एंड जिसकी वजह से जो आईफोन 12 प्रो का वेट है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाता है एज कम्पेयर टू आईफोन 15। बाकी दोनों आईफोन्स के फ्रंट में जो हमें सेरेमिक शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है एंड वहीं बात करें दोनों आईफोन्स के इन हैंड फील की, तो वो भी काफी ज्यादा हमें बेटर देखने को मिलता है। और जो आईफोन 15 है वहां पर उसके जो हमें थोड़े कॉर्नर है वो थोड़े से राउंड शेप में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो आईफोन 15 का इन हैंड फील है वो थोड़ा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो। बाकी दोनों आईफोन्स का जो डिजाइन है भाई वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। एंड अब बात कर लेते हैं दोनों आईफोन के डिस्प्ले की। तो बात करें डिस्प्ले की, तो दोनों आईफोन्स में जो हमें भाई 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, नो डाउट भाई जिसकी जो क्वालिटी है ना डिस्प्ले की वो बहुत ही ज्यादा बेटर होती है। बट आपको जो डिफरेंस है दोनों आईफोन्स के डिस्प्ले में वो ये है कि जो आईफोन 12 प्रो है उसकी जो पीक ब्राइटनेस हमें देखने को मिलती है, यानी कि अगर आप आईफोन 12 प्रो को जो आउटडोर में यूज करते हैं तो उसकी जो पीक ब्राइटनेस हमें वो 1200 निट्स तक देखने को मिलती है। बट वहीं अगर हम बात करें आईफोन 15 की, तो जो आईफोन 15 की पीक ब्राइटनेस है ना आउटडोर में वो हमें 2000 निट्स देखने को मिलती है, जो काफी ज्यादा ब्राइट होती है एज कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो। सो ये एक डिफरेंस है दोनों आईफोन के डिस्प्ले में। बाकी एक और जो मेजर चेंज हमें दोनों आईफोन के डिस्प्ले में देखने को मिलता है वो ये है कि जो आईफोन 15 है उसमें हमें जो है लेटेस्ट डायनेमिक जो आइलैंड वाला फीचर होता है, यानी कि नॉच की जगह पे जो हमें डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है, एंड जो iPhone 12 Pro है उसमें जो हमें एक बड़ी सी नोच देखने को मिलती है। बाकी जो दोनों iPhones के डिस्प्ले की क्वालिटी है भाई वो ओवरऑल गुड है। एंड अब बात कर लेते हैं दोनों आईफोन के परफॉर्मेंस की। तो जो आईफोन 15 है उसमें जो एप्पल की तरफ से जो है A16 जो है बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है, जो 5 नैनोमीटर पे बेस्ड होता है। एंड वहीं अगर हम बात करें आईफोन 12 प्रो की, तो जो आईफोन 12 प्रो है उसमें हमें एप्पल की तरफ से जो है A14 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है, जो 5 नैनोमीटर पे बेस्ड होता है। एंड नो डाउट जो दोनों प्रोसेसर है भाई उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बेटर होती है। बट जो आईफोन 15 है वो जैसा कि भाई मैंने आपको बताया कि उसमें लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेटर है आईफोन 12 प्रो से। बाकी नो डाउट भाई जो दोनों आईफोन्स की परफॉर्मेंस निकल के आती है ना वो काफी ज्यादा बेटर आती है, यानी कि अगर आप जो है आईफोन 12 प्रो एंड आईफोन 15 को जो है साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो आपको कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस दोनों आईफोन्स की परफॉर्मेंस में नहीं देखने को मिलता। एंड नाउ कम टू द कैमरा स्पेक्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों आईफोन्स के कैमरास की। तो दोनों आईफोन्स में जो हमें भाई कैमराज में मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं वो ये है कि जो आईफोन 12 प्रो उसमें हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है एंड जो आईफोन 15 है उसमें हमें ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो दोनों आईफोन्स के जो मेन कैमरा यानी कि जो हमारा वाइड एंगल कैमरा होता है उसमें मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो आईफोन 15 है उसका जो मेन कैमरा हमें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है एंड जो आईफोन 12 प्रो का मेन कैमरा है वो हमें 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। बट दोनों आईफोन्स के कैमरास की जो फोकल लेंथ है वो सेम है 26 mm। वहीं अगर हम बात करें सेकंड कैमरा दैट इज अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो दोनों आईफोन्स में हमें सेम जो है 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है एंड सेम फोकल लेंथ जो आती है 13 mm। एंड जो थर्ड कैमरा जो हमें आईफोन 12 प्रो में देखने को मिलता है वो हमारा टेलीफोटो लेंस जो आता है 52 mm फोकल लेंथ के साथ। बट यहाँ पे जो एक डिफरेंस है आईफोन 15 और आईफोन 12 प्रो में वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आईफोन 15 है उसमें हमें बेसिक से जो है टेलीफोटो लेंस का फीचर देखने को नहीं मिलता, बट जो आईफोन 15 है उसमें हमें जो है डिजिटली जूम करके जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो हम आईफोन 15 से जो है 2x तक का पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर सकते हैं। सो चलिए अब कुछ फोटोज के सैंपल आपको दिखाएंगे एंड सो चलिए सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं भाई इसका वाइड एंगल कैमरा। तो दोनों आईफोन्स में आप देख सकते हैं नॉर्मल फोटो मोड ऑन कर दिया है एंड एक फोटो क्लिक करते हैं 1x पे एंड उसके बाद अल्ट्रा वाइड। तो दोनों आईफोन्स में जो भाई कलर्स मेरे को सेम ही एंड 2x दोनों में ही देखने को मिल जाएगा, बट जो यहाँ पे आईफोन 15 की फोटो की क्वालिटी है वो भाई काफ़ी ज़्यादा बेटर आ रही है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो। तो आप कलर्स वगैरह में डिफरेंस देख सकते हैं कि जो आईफोन 15 के कलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो। बाकी और कुछ फोटोज़ क्लिक करते हैं। तो चलिए अब कुछ पोर्ट्रेट फोटोज हमने क्लिक करी हैं, उसकी क्वालिटी भी आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों आईफोन के पोर्ट्रेट फोटो की क्वालिटीज़ में भी जो आईफोन 15 है अगर उसका जो नॉर्मल पोर्ट्रेट देखते हैं तो उसमें फोटो की क्वालिटी बेटर आती है, बट जो आईफोन 15 का यहाँ पे
2x यानी कि डिजिटल जूम वाला ऑप्शन है वो उसकी जो क्वालिटी वाइज इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है एज कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो, बट जो आईफोन 12 प्रो क्योंकि उसमें हमें डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है तो उसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर आती है। सो आप देख सकते हैं। सो भाई ये जो वीडियो आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये दोनों आईफोन से जो है साइड बाय साइड जो है रिकॉर्ड हो रही है, एंड जो फ्रेम रेट है वो 4K 30 FPS है, एंड दोनों आईफोन्स में जो हमें वाइड एंगल कैमरा यानी कि 1x पे इस टाइम पे जो है वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो आप दोनों आईफोन्स की जो है क्वालिटी चेक कर सकते हैं, एंड जो ऑडियो है भाई वो भी दोनों आईफोन्स के जो है इंटरनल माइक से रिकॉर्ड की गई है, दोनों आईफोन्स की जो है क्वालिटी जो है वीडियो क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। एंड फाइनली अब बात कर लेते हैं दोनों आईफोन की प्राइसिंग की एंड कंक्लूजन की। देखिए जैसा मैंने वीडियो में आपको बताया कि दोनों आईफोन्स में जो हमें ऑलमोस्ट जो है सिमिलर से फीचर देखने को मिल जाते हैं, बट जो कुछ एडवांस फीचर हैं वो मैं आईफोन 12 प्रो में देखने को नहीं मिलते, लाइक जो सिनेमैटिक मोड वगैरह का फीचर हो गया एंड क्रैश डिटेक्शन वगैरह का जो फीचर है वो मैं आईफोन 12 प्रो में देखने को नहीं मिलता, और बाकी जो ऑलमोस्ट फीचर हैं वो दोनों आईफोन्स में सेम है, लाइक दोनों आईफोन्स हमें 5G का सपोर्ट देते हैं एंड जो और भी जो फीचर है मतलब वो दोनों आईफोन्स में सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। बट अगर हम बात करें दोनों आईफोन की प्राइसिंग की तो प्राइसिंग में हमें जो है मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों आईफोन्स में। जो आईफोन 12 प्रो है वो आपको सेकंड हैंड इजिली जो है 32 से लेकर 38 या फिर 40,000 तक की रेंज में देखने को मिल जाएगा, बट जो आईफोन 15 है वो आपको स्टिल अभी भी जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अगर आप चेक करते हो तो 65,000 का देखने को मिलेगा। तो प्राइस में दोनों आईफोन्स में मेजर डिफरेंस है, बट अगर आप जो है आईफोन 15 को जो है भाई नेक्स्ट यानी कि जो बिग बिलियन डे सेल आने वाली है तो उसमें जो आईफोन 15 है वो आपको 50,000 के अंडर देखने को मिल जाएगा, तो उस टाइम पे जो आईफोन 15 है वो हमारे लिए जो है बेस्ट डील हो सकती है। बाकी अगर बात करूं भाई मैं अपने ओपिनियन की तो भाई मैं जो आईफोन 15 के साथ जाऊंगा, क्योंकि जो आईफोन 15 है उसमें हमें भाई देखिए एक तो लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है एंड जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है 12 प्रो के कंपैरिजन में, एंड जो आईफोन 15 है उसकी बैटरी लाइफ भी जो हमें काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो, एंड और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमें आईफोन 15 में जो अपग्रेड देखने को मिलते हैं। बाकी भाई दिस इज़ माई ओपिनियन एंड चॉइस इज यूर्स, एंड रिमेंबर वन थिंग, जो आईफोन 15 है वो आपके लिए जो बिग बिलियन डे सेल वाली जो डील है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी। सो आप मैं रिकमेंड करूँगा कि जो आईफोन 15 है आप उसको जो है बिग बिलियन डे सेल में ही कंसिडर करें। सो